कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट भी एहतियात बरत रहा है। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि सर्वोच्च अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल्द ही सभी मामलों की सुनवाई कर सकती है। हालांकि ये कैसे किया जाएगा, इसके तरीकों पर काम किया जाना है। 23 मार्च से लॉकडाउन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के सभी वकीलों के चैम्बर को भी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और रिकॉर्ड एसोसिएशन ने शीर्ष अदालत के कामकाज को रोकने के लिए मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करने वाले प्रस्ताव को भी पारित किया है। इस बीच जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं उनकी सुनवाई से संबंधित दिशा निर्देश भी कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संबंधित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 23 राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। दिल्ली में भी दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट भी मामले को गंभीरता से लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विकल्प अपना सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।